गोधरा पंचमहाल में जातिगत मतभेद करने वालों के विरोध में पीड़ित विजय रावल ने जिला कलेक्टर में दिया ज्ञापन, सामाजिक न्याय के लिए किया निवेदन, अगर नहीं मिला इंसाफ तो शुरू हो सकता है जन आंदोलन। ज्ञात हो इस माह की शुरुआत में 1 फरवरी को जब विजय रावल नौकरी से घर आए तो 3 उपद्रवियों ने इनके साथ गाली गलौज किया। इतना ही नहीं, जाति के मुद्दे को लेकर इनके साथ मारपीट भी किया, तो बहन मनीषा रावल पर पत्थर भी बरसाए। तुम निचली जाति के हो इसलिए तुम्हें विवाह या किसी समारोह में पगड़ी पहनने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। अपने मोबाइल पर पगड़ी पहनकर स्टेटस भी नहीं रख सकते। रावल हो राजपूत मत बनो। आज जब हम 21वीं सदी में विकास की उड़ान भर रहे हैं तो गुजरात के पंचमहाल कलोल तालुका के राजपुल पिंगली गांव में हालात अभी भी पुराने हैं। कुछ लोगों की मानसिकता अभी भी बदल नहीं पाई है। एक विशेष समाज के कुछ उपद्रवी अपनी बात जबरत मनवाने की कोशिश में लगे हैं। इन्हें भारत के संविधान से कुछ भी लेना देना नहीं है। विजय रावल और उनका परिवार एक सामाजिक विचारधारा रखता है और खुद विजय भाई रावल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सामाजिक अभियान चलाते हैं। अपनी बेटी का जन्मदिन भी इन्होंने एक जश्न की तरह मनाते हुए पूरे क्षेत्र को बेटी सशक्तिकरण का केंद्र बना दिया और विशेष जन जागृति की थी। लेकिन इसी ग्राम में प्रताप सिंह, भूपत सिंह सोलंकी, विपुल सोलंकी और सुनील पर्वत सिंह सोलंकी जैसे लोग भी हैं जिन्हें रावल परिवार की जाति से नफरत है और ये अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इस बात का खौफ विजय रावल के परिवार को हो चुका है। विजय रावल और उनके परिवार के साथ रावल समाज के लोगों ने भी इन सामाजिक उपद्रवियों के खिलाफ तख्तियां लगाकर प्रदर्शन करते हुए अपना रोष प्रकट किया और जिला कलेक्टर को इन अपराधियों पर तुरंत अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई करने को लेकर निवेदन पत्र भी दिया। यहाँ प्रदर्शनकारी ग्रामवासियों के अनुसार देश के संविधान के विरोध में जबरन अपनी बात मनवाने का दबाव बनाने वाले सोलंकी समुदाय के इन 3 लोगों पर अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो प्रशासन और सरकार पर जाति मतभेद के इस गंभीर मुद्दे के विरोध में जन आंदोलन के जरिए दबाव बनाया जाएगा। क्या नाम है बहनों? ये बहनों नाम है सूरज सिंह, छत्र सिंह सोलंकी नाम है। अच्छा अच्छा। सरकार ने हमारी अपील से उन्हें न्याय आपे और आवा व्यक्ति ने कड़ी से कड़ी सजा थाई ये हमारी मांग से। राजपूत छू एटले तमारे मारी सामे आवी रीते नहीं करवानो आवी रीते नहीं करो एवू कहेवा मांगे छे। शू कहेवा मांगे छे? એટલે અમારા ગામમાં શું અમારા 30 ઘરો છે અને એમના 300 ઘરો છે। અચ્છા। એટલે એવા એ લોકો અમે જે જે કરીશું જે જે અત્યારે પ્રોગ્રામ રાખેલો વચ્ચે બેટી બચાવો બેટી બનાવો કાર્યક્રમ રાખેલો હા હા હાજી હાજી કે બેટીને ન્યાય મળે એના માટે આ લોકોને નહીં ગમતું અમે જે બધા પ્રોગ્રામો કરીએ છીએ એમને નહીં ગમતું કે અમે કશું નહીં કરતા આ લોકો કરવા કરીએ છીએ કરે છે। અચ્છા, તમે સામાજિક કાર્ય કરો છો, સમાજના વિકાસના જે કાર્ય કરો છો એની અંદર આ લોકો અડચણરૂપ થાય છે અને તમને નીચા પાડવાનો પ્રયત્ન, નીચા દેખાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને તમારી સાથે અમાનવીયતા, બર્બરતા જેવું આચરણ કરે છે। અવેલેબલ ઓન Google Play એન્ડ એપ સ્ટોર, ડાઉનલોડ ઇટ નાઉ।